अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस आइसोलेटेड एटम टू फॉर्म पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। नीचे एग्जांपल दी गई है कि मैग्नीशियम से हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ती है, 738 किलो जौल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है मैग्नीशियम का एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। आयोनाइजेशन एनर्जी टेल्स अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ आइसोलेटेड एटम मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर। आइसोलेटेड एटम की स्टेबिलिटी के बारे में इस तरह से बताती है कि अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है तो वो वाला एटम स्टेबल होता है, और जिसकी वैल्यू कम हो तो वो वाला एटम अनस्टेबल होता है। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर के बारे में इस तरह से बताती है, एलिमेंट्स विद लो आयोनाइजेशन एनर्जी आर मेटल्स। ठीक है, आगे द एलिमेंट्स विद हाई आयोनाइजेशन एनर्जी आर नॉन मेटल्स। द एलिमेंट्स थर्ड की बात कर रहे हैं, द एलिमेंट्स इन बिटवीन, मतलब ना लो हो ना हाई हो, इंटरमीडिएट वैल्यू हो उनकी, तो वो मेटलाइड्स होते हैं। नीचे है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, तो ये चार फैक्टर्स हैं, एटॉमिक रेडियस है या एटॉमिक साइज, नीचे न्यूक्लियर चार्ज और प्रोटॉन नंबर ऑफ एटम, शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन, नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स। एटॉमिक रेडियस की बात करें तो एटॉमिक रेडियस जैसे बढ़ता जाएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती जाएगी, न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ती है, शील्डिंग इफेक्ट अगर बढ़ेगा तब आयोनाइजेशन की एनर्जी वैल्यू कम होगी, और नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स, जो बड़े ऑर्बिटल्स हैं जैसा कि एफ ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है, इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है एज कंपेयर टू एस ऑर्बिटल। नीचे है हायर आयोनाइजेशन इनर्जीज, डेफिनेशन है उसकी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन आफ्टर द रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, चौथा निकालते हैं, तो इसको बोलते हैं हायर आयोनाइजेशन इनर्जीज। एग्जाम्पल दी गई है मैग्नीशियम का, जैसे कि हमने पहले उसका एक इलेक्ट्रॉन निकाला था, अब हम उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो उसके लिए हमें एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो है 1450 किलो जौल पर मोल, 1450 किलो जौल पर मोल। नेक्स्ट है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन आफ्टर द रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब इसके दो इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, जब हम इसमें से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसको बोलते हैं थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। मैग्नीशियम में से थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो उसकी वैल्यू इतनी होती है, मतलब हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ती है, 7730 किलो जौल पर मोल। अब यहाँ पे आर्डर बनाया गया है कि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उसके बाद सेकंड की है, उसके बाद फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी एंड वेलेंसी, कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, जो गैप होता है, मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी एंड हायर आयोनाइजेशन एनर्जी के दरमियान, तो उससे हमें वेलेंसी का पता चलता है। अगर बिग गैप है फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में तो उस एलिमेंट की वेलेंसी 1 होगी, अगर सेकेंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में गैप बड़ा है तो तब उसकी वेलेंसी 2 होगी। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू से वी कैन गेस द वेलेंसी ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम गैप बिटवीन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड हायर आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इसका ट्रेंड देख लेते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप, द आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज इन ग्रुप, डिक्रीज होती है ग्रुप में, मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्यों, वजह यह होती है कि न्यू शेल एडअप, नए शेल एडअप होते हैं ग्रुप में, और इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट, और शील्डिंग इफेक्ट भी ग्रुप में बढ़ता है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में कम होती है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड में देखेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू पीरियड में
बढ़ती है द आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड बिकॉज, वजह क्या होती है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, और दूसरी बात नो न्यू शेल एड अप, कोई नया शेल भी एड अप नहीं होता। यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है कि जो एलिमेंट हैं थर्ड ग्रुप ए के और सिक्स ए के, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ज़्यादा होती है क्योंकि उनके जो ऑर्बिटल्स हैं वो पार्शली फिल्ड होते हैं। मतलब जो हमें हुंस रूल ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन कोशिश करता है अलहदा अलहदा रहने की, तो थर्ड ग्रुप में और सिक्स ग्रुप में वो अलहदा अलहदा रहते हैं, इसी वजह से पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल हो या कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल हो वो स्टेबल होता है और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है।